राम राम फ्रेंड्स, आज जिम का 31 डेज मेरा कंप्लीट होने वाला है और आज चेस्ट वर्कआउट करेंगे और उसका कैमरा भी चार्ज हो रहा है। कुछ देर बाद हम लोग जिम के लिए रेडी होकर निकल जाएंगे। हम अपना फ्लैट से निकल चुके हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना भी शुरू कर चुके हैं और ये देख रहे हैं कि हम इनविजिबल स्टिक है, स्टिक भी नहीं दिख रहा है। अब वीडियो सिंगल लेंस में स्टार्ट कर दिए हैं रिकॉर्डिंग। इंस्टा 360 का स्टेबिलिटी मोड बहुत एकदम खतरनाक है, बोले तो एकदम जहर है। यहाँ से फिर डायरेक्ट निकलते हैं जिम और 10 मिनट के अंदर ही हम लोग अपना जिम पहुँच जाते हैं। जिम पहुँच के आपको तो पता ही है कि मुझे चेस्ट वर्कआउट शुरू करना था, तो मैं लीवर चेस्ट प्रेस स्टार्ट कर देती है, 15 का 3 सेट करते करते और थोड़ा स्लो स्लो करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पेन होगा हमारा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जल्दी से चेस्ट प्रेस वर्कआउट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके सेकेंड वर्कआउट भी करना था। सेकेंड वर्कआउट अपना बटरफ्लाइंग वर्कआउट स्टार्ट किए, 15 का 3 सेट के कंटिन्यू, जो बहुत मस्त वर्कआउट है और ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है चेस्ट प्रेस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, तो मैं हमेशा इसे प्रेफर जरूर करता हूँ ये करना। जल्दी से अपना बटरफ्लाइंग वर्कआउट ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट थर्ड वर्कआउट शुरू करते हैं, बारबल इंक्लाइन चेस्ट प्रेस वर्कआउट करते हैं, ये भी 15 का 3 सेट करते हैं कंटिन्यू, तो ये भी बहुत मस्त वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट ये वाला करने में और इसका चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जल्दी से मैं बारबल इंक्लाइन चेस्ट प्रेस वर्कआउट को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट वर्कआउट भी करना था। नेक्स्ट वर्कआउट मेरा इंक्लाइन डंबल फ्लाई वर्कआउट करना था और ये भी बहुत मस्त वर्कआउट होता है चेस्ट के लिए, मैं भी इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट सेट ख़त्म होने के बाद सेकेंड सेट में वेट को इंक्रीज करते हैं, 7.5 लेके डंबल से करते हैं, अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसमें और आज का वर्कआउट मेरा सारा ख़त्म हो गया है और अभी हम जा रहे हैं मिरर के सामने एक सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये भी इस वीडियो को एडिट कर।